तो बेटा आज बेसिक टॉपिक में चलेगा मास परसेंटेज एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास के बारे में दो तीन लेक्चर पहले बता दिया था, फिर से देख ही लेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं तो तनिक याद रखना बेटा, उनके लिए एक होमवर्क है। पहला तो पहले पेज में, फर्स्ट पेज में आपका पीरियोडिक टेबल बना होना चाहिए विथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के साथ पीरियोडिक टेबल बना होना चाहिए एलिमेंट का। और आपको सेकेंड पेज में 1 to 30 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास रटा होना चाहिए। इतना कर लोगे सबको इन्हें बच्चे लोग, यस सर। ठीक है ना। ऑप्शन नहीं बेटा, करना ही है, ठीक है। कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि सर नहीं कर पाएंगे, करना ही है तुमको। केमिस्ट्री सीखना है तो पीरियोडिक टेबल याद करना है जितना जल्दी हो सके। और फर्स्ट पेज में 1 to 30 तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मास परसेंटेज। तो बेटा अगर तुम लोग के मैं सब्जेक्ट की बात करूं, तुमने पेपर दिया, ठीक है ना। आजकल पेपर हो तो नहीं रहे, बट मान लो पेपर दिया तुम लोगों ने, बिना पेपर के पास जा रहे हो ना। किसी ने फिजिक्स का दिया, मैथ्स का दिया, ये बायो वाले ने बायो का, केमिस्ट्री का दिया, उनका पेपर मार्क्स आ रहा है 70, 80, 90 आउट ऑफ 100। और कोई बुरा नहीं, मैं सर मैं तो 100 में 100 लगाऊंगा बेटा, हो सकता है। तो मुझे अगर बात करना है टोटल परसेंटेज उस स्टूडेंट का, तो कैसे निकालोगे बेटा। मास ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ऑब्टेंड मार्क्स ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय टोटल टोटल मार्क्स मार्क्स इनटू 100। इनटू 100। ऐसे ही कुछ करते हो ना बेटा। यस यस सर। जो भी है 70 प्लस 80 प्लस, मम्मी टोटल मार्क्स कितने हैं 300 इनटू 100। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मार्क्स परसेंटेज। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बेटा। यस यस सर। अब हम लोग को निकालना है मार्क्स परसेंटेज। यस फाइंड आउट करना बेटा मार्क्स मार्क्स परसेंटेज। तो किसी को कुछ आइडिया मिल रहा है कि कैसे होगा। टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ वैसा ही कुछ। तो देखो जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ CH4 का, CH4 किससे मिलके बना बेटा, मीथेन मॉलिक्यूल मेड बाय द, किससे मिलके बना भाई, 1 कार्बन एटम एंड सेकेंड 4 हाइड्रोजन एटम। ऐसा बोल सकते हैं भाई। यस सर। यहां तक किसी को दिक्कत और तकलीफ, सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक ऐसा कोई तकलीफ बच्चा लोग? नो सर, नो सर। तो अगर मैं पूछूं इस CH4 बनाने के लिए कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है, हेंस मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि CH4 बनाने के लिए कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं, से मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हमको कंट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा बेटा किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। यस सर। तभी तो बताएंगे ना CH4 जो है ना सर, उसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन का 50% लगा तो हाइड्रोजन का 50 लगेगा, कार्बन का 60% लगा तो हाइड्रोजन का 40 लगेगा, कार्बन का अगर 70% आता है तो हाइड्रोजन कितना होगा 40, कार्बन का 75 आता है तो हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होगा 25। क्लियर है? यस। चलो देखो तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जैसा आपका मास परसेंटेज की बात है वैसा ही,
मास परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल एटॉमिक मास ऑफ वन टाइप एलिमेंट, वन टाइप एलिमेंट, टोटल एटॉमिक मास ऑफ वन टाइप एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज पे इनटू 100 इनटू 100 ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे कार्बन का कितने कार्बन है बेटा, मास ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है बेटा CH4 का 16, जिनको नहीं आता अभी बताऊंगा कैसे आया 16, ठीक है ना, नए बच्चे लोग, इनटू 100। कार्बन का मास कितना होता है ये याद रखना है, नए हो या पुराने हो स्टूडेंट सबको, कितना होगा कार्बन का मास बेटा 12 इनटू 100, क्लियर है, तो सॉल्व करके कितना आ रहा है बच्चा लोग 75 आएगा, ठीक है ना। yes. अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा 4, ठीक है ना, तो मास ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम, डिवाइडेड बाय 16 इनटू 100, एक हाइड्रोजन का वेट कितना है बेटा 1, तो कितना होगा 4 इनटू 100 इक्वल टू 25 आएगा, जाहिर सी बात है कार्बन 75 का हाइड्रोजन कितना होगा बेटा 25, तो मास परसेंटेज समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर, जैसा आपने मार्क्स निकालते थे उसके परसेंटेज हूबहू वैसा ही है, बस यहाँ पे मास है, तो क्या रहा है ये वैल्यू कि CH4 बनाने के लिए कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है 75% एंड हाइड्रोजन में क्या है 25%, इट मींस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मेशन of methane carbon, the contribution of carbon and hydrogen, carbon and hydrogen for formation of methane are kitna beta 75% and 25% respectively, respectively, क्लियर है सभी को? यस यस सर, यहाँ तक ये पूरे लोग के लिए था, ठीक है ना, अब जो न्यू बच्चे हैं जो आज के क्लास ज्वाइन किए हैं, फर्स्ट डे है या सैटरडे को फर्स्ट डे था, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास में फॉर्मूला था है समेशन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, तो नए बच्चे लोग ये फॉर्मूला नोट कर लेना, तो ये मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल, और ये मास परसेंटेज का, जल्दी से नोट डाउन करो, कुछ और क्वेश्चन एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं बेटा, नोट डाउन करो यहाँ तक,
डाउट है, कोई तकलीफ है नए बच्चों को खास करके? मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला बता दिया हूँ। सर हाँ बेटा बोलो। सर मास परसेंटेज नहीं समझा, कैसे फाइंड करते? हेलो यार, पूरा दाम कहानी खत्म हो गया। मास परसेंटेज नहीं समझा बेटा, फॉर्मूला क्या लिखा है? क्या लिखा है फॉर्मूला? टोटल एटॉमिक मास ऑफ वन टाइप एलिमेंट। तो बेटा यहाँ पे सी एच फोर में कितने टाइप का एलिमेंट है? टू, दो टाइप के। तो बेटा एक कार्बन का परसेंटेज निकाले, एक हाइड्रोजन का निकाले। कार्बन का वेट कितना होता है? 90। तो फिर कहाँ सॉल्व होगा? कार्बन का वेट कितना होता है? बोलो बेटा। इसीलिए तुमको पता ही नहीं एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? कितना होता है बच्चा बताओ? बच्चा लोग लिखा हुआ है यहाँ पे सामने भी। 12। तो कहाँ से होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सी एच फोर का? 16। तुम ध्यान ही नहीं दिए इस चीज को, ठीक है ना? हम बोले यहाँ मास कार्बन का है 12 और मॉलिक्यूलर मास है 16। तुम इस चीज को ध्यान ही नहीं दिए, तुमसे बना ही नहीं। फिर कैलकुलेशन है बेटा, ये तो मैं यहाँ तुम लोग करोगे। सेकेंड एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है बेटा? सर वन। तो चार का कितना होगा? वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो चार होगा ना बेटा? या फोर इंटू वन कर दो तो एक ही मतलब है ना दोनों का कि अलग है बेटा? फोर टाइम्स प्लस प्लस वन करूं या फिर इंटू फोर कर दूं वन को, तो एक ही मतलब होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यहाँ कर दिया 4 into 1 मास ऑफ हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन था, एक का मास 1। मॉलिक्यूल का मास कितना है? 16। कैसे निकला ये फॉर्मूला है? तो बेटा क्लास में ध्यान से सुनना पड़ता है चीजों को जो टीचर बोलता है। सेम ऐसा ही चीज है बेटा, जब मूवी देखने जाओगे तुमको मूवी दिखाते समय बोलेंगे बेटा तुम लोग ऑडियो बंद कर देता है, वीडियो देखो, तो पसंद आएगा पिक्चर देखना? मन लगेगा पिक्चर देखने में बेटा? बताओ। नो सर। नहीं ना, अगर दूसरा बोल दो चलो पिक्चर दिखा रहे हैं ऑडियो बंद कर देते हैं तो भी मन आएगा क्या? लेकिन ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ दिखाई जाए तो इंटरेस्ट जगह रहेगा ना बेटा? तो सेम पढ़ने में भी ऐसा होता है, आंखों से देखना उससे काम नहीं चलेगा, कानों से सुनना भी पड़ेगा, ठीक है ना बेटा? तो जो देख रहे हो उसको सुनो भी, फिर उसको रिकॉल करो सर क्या बोल रहे थे, तब जाके समझ में आएगा, सिर्फ देखने से नहीं होता। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना बेटा? कैल्सियम लाइमस्टोन का फॉर्मूला मालूम है सभी को? तो सर कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। लाइमस्टोन का फॉर्मूला मालूम है नए पुराने सभी बच्चे लोगों को? चूना पत्थर। तो बताओ बेटा लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होगा? चूना पत्थर CaCO3। CaCO3। फिर तुम नहीं बताए हमको चूना लग जाए भाई, पढ़ नहीं रहे तुम लोग चीजें, ये केमिस्ट्री का जीके वाली चीजें हैं भाई, ये सब पता होना चाहिए। और खास करके उन बच्चों पे जो एनडीए ये सब के प्रिपरेशन करते हैं, वहां पे ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूले पूछ लेते हैं बेटा। तो चूना लगने वाला पत्थर देख लो भाई, चूना पत्थर। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास पहला पढ़ाओ, अगर यही नहीं मालूम है तो आगे भैया कुछ नहीं कर सकते आप, लाचार हो बेबस हो आप इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। तो मास मॉलिक्यूलर मास, तो कैल्शियम क्या है फॉर्मूला भाई? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू समेशन किसका? एटॉमिक मास का। किसका एटॉमिक मास? ऑफ ऑल एलिमेंट या ईच एलिमेंट। तो बेटा यहाँ पे कौन कौन से एटम है बताओ? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कोई ऐसा चल रहा है सर सी एक एटम है, ए एटम है, सी एटम है और ऑक्सीजन, ऐसा तो कहीं नहीं है ना बेटा? नो सर। चलो ठीक है, सी ए एक एटम है, कैल्शियम, कार्बन है और ऑक्सीजन।
अब मुझे बता बेटा कैल्शियम कितने टाइम्स है? One times. कार्बन कितना टाइम्स है? One. ऑक्सीजन कितने टाइम है? Three. तो इनके मास को कर दो प्लस. एक कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40. वेरी गुड. एक कैल्शियम का वेट होता है 40, ठीक है ना बेटा. कार्बन का वेट कितना होता है? 12. ये सब याद रखना, समझना नहीं है कोई अगर बोलने से मुझे समझ नहीं आया ये तो बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद रखना है. ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16. अच्छे क्लास में भी स्टार्टिंग में बोल दिया था तो सॉल्व करने पर सर मेरे ख्याल से 100 आता है ना? यस यस सर. हां सर. इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, पहले बता दिया हूं क्योंकि एटॉमिक मास का यूनिट भी क्या है? ग्राम पर मोल. अब मास परसेंटेज, ठीक है ना, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम. तो क्या करेंगे बच्चा, कैल्शियम बन इसको बनाने में कैल्शियम का कितना यूज हुआ है ये देखना है. तो वन एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास CaCO3 इनटू 100. तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा? एक ही कैल्शियम है 40 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा बेटा? 40. क्लियर है? यस यस सर. यस. एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा, कोई ताम झाम है नहीं कैलकुलेशन में, इजिली तुम लोग कर सकते हो कैलकुलेशन सॉल्व. और क्या है भैया उसको बनाने में? मास परसेंटेज ऑफ और किससे बना है ये? चूना. कार्बन. चूना लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? मतलब कैल्शियम चाहिए, कार्बन चाहिए और थोड़ा सा ऑक्सीजन, है ना बेटा? तो तुम लोगों को चूना लगा सकते हो. तो मास ऑफ कार्बन, ठीक है, तो क्या करते हैं? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इनटू 100. कितना कार्बन है बेटा इसमें? 12. 12 ग्राम, ठीक है ना, इक्वल टू 12%, यही आएगा. यस. मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तब कहते हैं ना, ऑक्सीजन है भाई 3. टोटल मास इंटू 100 कितने मास कितना है बच्चा एक का? 100 तो कितना आएगा? 48. देखो बेटा टोटल मिलाओगे तो 100 हो जाएगा, क्यों जाएगा? तो चूना लगाने के लिए कितना परसेंट कार्बन चाहिए बेटा? 12. तो कैल्शियम चाहिए 40%, कार्बन चाहिए 12% और ऑक्सीजन कितना चाहिए? 48. तब जाके आप चूना लगा सकते हो, मतलब लाइमस्टोन बना सकते हो, ठीक है ना बेटा? तो अब जो बच्चा बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया बेटा? बालक आया समझ में? यस सर. यस. तो जल्दी से छापो इसको भी बेटा. एक क्वेश्चन, ऑक्सीजन फाइंड आउट कर रहे हैं ग्लूकोज में, तो मॉलिक्यूल मास ऑफ ग्लूकोज तो बनना किससे ग्लूकोज वो देखो बेटा. कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कितने कार्बन लगे हैं भाई? 6. हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6. 12. हाइड्रोजन का वेट 1, ऑक्सीजन का वेट 16, इक्वल टू 180 ग्राम. अब सब तुम लोग इंडिविजुअल निकाल लो, कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज, सॉल्व करके बताओ, ठीक है ना बेटा?
चेक करो टोटल कार्बन कितने बेटा, टोटल कितने कार्बन है बेटा? सिक्स। एक का है 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, तो सॉल्व करने पे कितना आता, 40 आ रहा है इसका। यस यस। हाइड्रोजन कितना है 12, एक का मास है 1 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 100, यहाँ पे भी 180 है, कितना है 6.6 आया। यस सर। यस सर। 6 एक का 16 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 100 कितना, कितना हो जाएगा बेटा 73.4, यही आया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा एक दो यूनिट किसी का इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यही आएगा। क्लियर है बेटा, किसी का 3.5 आ गया होगा या 6.7 आया होगा, 6.7 आया तो यहाँ पे 3.3 आया, ऐसा रखना पड़ेगा ताकि टोटल कितना आना चाहिए 100। तो समझ में आया बेटा? यस यस सर। तो बड़ा चीज है क्या मास परसेंटेज निकालना? ठीक है चलो, दो चार क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है ना? यस सर। फाइंड आउट द मास परसेंटेज इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन, मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, ना ईच एलिमेंट इन यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला मालूम है बेटा, NH2CO NH2। विनेगर का फॉर्मूला मालूम है, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, CH3COOH। ठीक है ना बेटा, एल्कोहल का फॉर्मूला मालूम है, इथेनॉल का C2H5, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। ठीक है, एसिटिक एसिड जो हो गया इथाइल एल्कोहल, एसीटोन CH3, ये या फिर ऐसे बोल सकते हैं C3H6O। ठीक है ना? ओके। और एल्कोहल हो गया अमोनिया CO2 पायरीन, पायरीन मतलब होता है CCl4, या फिर बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये लास्ट के जो तीन है बेटा, मतलब लास्ट के तीन बोलता है, लास्ट के पांच, ये होमवर्क है आपके लिए, बस फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके बताओ, मैसेज करोगे बोल के नहीं बताओगे। तो स्टार्टिंग का 1-2 सॉल्व करना, बाकी होमवर्क रहेगा, ठीक है ना बेटा? ओके। तो करो सॉल्व। चलो देखो बेटा, यूरिया में नाइट्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सबका मास परसेंट निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूलर का मास 60 आता है यूरिया का, कैसे? ये इसमें कई लोगों का वैल्यू याद नहीं, इसलिए दिक्कत है। कितना नाइट्रोजन है बेटा? नाइट्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, प्लस कार्बन प्लस हाइड्रोजन, मतलब इन चारों को मिला के नाइट्रोजन कितना है बेटा? 2। ठीक है ना, कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो सबका मास रखोगे तो कितना आएगा बेटा? 60। नाइट्रोजन का होता है कितना? 14। कार्बन का होता है 12।
सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन फाइव है हाइड्रोजन फाइव किसमें फाइव है यूरिया सर एच टू एंड एच थ्री यूरिया एनएच टू है ना बेटा शायद दिख नहीं रहा होगा क्लियर ठीक है सर ठीक है ना 60 आएगा तो 61 जिनका आया होगा वो दिख नहीं रहा होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा तो उससे भी कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला ठीक है ना बेटा 28, 12, 16, 4 टोटल आएगा 16 अब यहाँ पे वैल्यू कितने नाइट्रोजन है बेटा यूरिया में टू एक का वेट 14 तो सॉल्व करने पे कितने आ गए बेटा 28 कितना आ रहा था कितना आया था बेटा ये वैल्यू 28 डिवाइडेड बाय 16 टू 100 डिवाइडेड बाय 46.66 यही आया था हाँ सर 40.66 देखो एक बार थोड़ा सा अच्छे से सॉरी 46.66 ना 46.66% यही आया सबका यस सर कार्बन का वेट कितना बेटा कितने कार्बन है यहाँ पे यूरिया में 1 कितना है यहाँ पे 20% ऑक्सीजन कितना बेटा 25% 26.66 आ रहा है ठीक है ना ओके ठीक है यहाँ पे कितना होगा बच्चा हाइड्रोजन कितना फोर 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 कितना हो जाएगा यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे राउंड अप कर लेना ठीक है ना किसी को ताकि टोटल 100 आ जाए क्लियर है तुमका ओके एक भी कम जाता होगा तो दिक्कत नहीं है माइक म्यूट कर लो किसी के यहाँ से बटन तो पटकने का आवाज आ रहा है 67 भी लिख सकते हो ठीक है ना पॉइंट यहाँ पर कार्बन कितने है बेटा इसमें एसिटिक एसिड में 2 एक का वेट 12 सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 40 हाइड्रोजन कितना है 4 एक का वेट 1 6.6 आया यस और मैं क्या बोलता हूँ ऑक्सीजन कितने बेटा ऑक्सीजन 2 एक का वेट 16 53.34 यही आया यस क्लियर है बेटा तो बन जाएगा इस टाइप का कैलकुलेशन यस सर तो नेक्स्ट डे में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है ना स्टार्टिंग में और पीरियोडिक टेबल रिवाइज करेंगे ठीक है ना बेटा ताकि जो लोग लेट एडमिशन हुए तो उनको भी ट्रिक मिल जाए ठीक है ना यस सर यस सर टाइम्स पीरियोडिक टेबल रिवाइज करना है ताकि अच्छे से रटा आ जाए और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ठीक है बेटा यस सर तो बाय बच्चा लोग किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ